गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मौसम इतना मस्त हो गया है ना, इतनी अच्छी धूप निकली है। वैसे आज तो मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं घर पे ही हूँ और आंटी भी वृंदावन गए हैं, तो मैं अर्जुन हूँ। और मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, तो मैं तो धूप में बैठ के काम करूँगी आज। कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा थी, 5 या 4 डिग्री टेम्परेचर था, बट अभी इतनी प्यारी धूप निकली है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो आज तो मैं ऑफिस जा नहीं रही, आज घर से ही काम कर लूँगी। नाश्ता तो हो गया, फ्री भी हुई मैं। अब मैं सोच रही थोड़ी देर में काम करने बैठ जाती हूँ, बट उसके पहले अपन कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उसके आंसर भी देने हैं, और कुछ ऐसी थोड़ी सी बातें हो जाएंगी, तो अब करते हैं क्यू एन राउंड स्टार्ट थोड़ी देर में। क्यूएन राउंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जिसका मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट था, बाकी का पता नहीं, बट मेरे को ऐसा था कि कब ऐसा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें देखना, तो वो है ये पूरे वाइट धौलाधार, इतने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट है और भी आई थिंक पीछे से स्टार्ट है, ट्रीज के कारण नहीं दिख रहा। यहाँ से ये चल रही है, वाह इतने सुंदर लग रहे हैं। सामने सामने वाले जो है इनमें भी ऑलमोस्ट थोड़े टाइम में बर्फ़ गिर जाएगी, पीछे वाले तो वाइट ही हो गए। अब बहुत सुंदर लग रहे हैं, जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड, बट उसके पहले जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया, वीडियोस देखे, कमेंट्स किए, क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू सो मच आप सबका। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है आप कहाँ से हो। मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो कि है हार्ट ऑफ भारत। मैं वहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई है, मतलब स्कूलिंग वहाँ से हुई है। कॉलेज मेरा हुआ है पुणे महाराष्ट्र से, और अभी मैं यहाँ पे हूँ एज अ वर्किंग। सो मैं हूँ बेसिकली छत्तीसगढ़ से, बट रहती मैं यहाँ पे। सो सेकेंड क्वेश्चन है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो। तो मैंने की है, सबसे पहले मैंने किया है मतलब 12th के बाद मैंने किया एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। उसके बाद मैंने किया है BSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग पुणे महाराष्ट्र से। सो मैं क्वेश्चन आंसर राउंड बना रही थी, जोनू वहाँ बाहर बैठा था, फिर मेरे पास आके बैठ गया है। क्या हुआ जोनू, दीदी अकेले बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था? क्या सोया जोनू तू? वो थर्ड क्वेश्चन है, इंटीरियर डिजाइन पार्ट टाइम और फुल टाइम। सो मैं फुल टाइम इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मेरी अपनी भी साइट्स हैं और मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं मतलब डिवाइड कर लेती हूँ अपना काम भी और ऑफिस वर्क भी, तो मैं दोनों साथ में कर रही हूँ। जोनू की मस्ती स्टार्ट। ये क्या तरीका है सोने का, ये क्या तरीका भाई साहब सोने का, सब पता चल जाता है कब कैमरा स्टार्ट हो रहा है कब नहीं हो रहा है। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि आपने YouTube क्यों ज्वाइन की, आपको पैशन था ब्लॉगिंग करने में या इसको सेकेंडरी करियर की तरह देखती हो। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना ही ये मेरा पैशन है ना ही मैं इसको एज अ सेकेंडरी करियर की तरह देख रही हूँ। इट जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह में हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, और मेरा डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, साइट विजिट्स हो गए या सेलेक्शंस हो गए या मेरा खुद का अप डाउन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ये चीज़ें कहीं डालूं, या मुझे कभी खुद को ही देखना हो पुराना या मेमोरी, कुछ भी हो सकता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कहीं हो ये चीज़। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देती हूँ। अभी आई थिंक 2-3 दिन हो गए मैं नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है और काम भी ज़्यादा हो गया, तो अभी टाइम ही नहीं हो पा रहा, बट जब मुझे लगता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, डाल देती हूँ। और एक और चीज़ है, मुझे कनेक्ट करना अच्छा लगता है, तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं डालती हूँ। इतनी प्यारी धूप निकली है ना, बिस्का इतना प्यारा लग रहा है, वाह। तो और भी क्वेश्चंस हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका रूपाली दी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरे फ्रेंड हैं, दैट्स इट। तो यही थे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन तो नहीं, एक ही है कि आप अपने व्लॉग की लेंथ थोड़ी बड़ी करिए। तो
तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं और लंबे ब्लॉग्स डालूं और डेली डालूं या अल्टरनेट डालूं, जैसा भी, तो देखते हैं क्या होता है। ये जो फ्लावर है सिर्फ जब सन निकलता है तो ये पूरा ऐसे खिल जाता है, कितना प्यारा लग रहा है। एक ये भी है, 3-4 दिन हो गए ये ऐसे हुए ही नहीं थे, आज दिखे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच क्वेश्चंस पूछने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश की मैं पूरे में आंसर दे दूं, आई थिंक दे ही दिए हैं। तो आगे भी अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी पूरी करने की। एंड थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। मेरा आज का काम तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज जाती हूँ थोड़ा सा वॉक करके आऊँगी। बहुत दिन हो गए वॉक करने नहीं गई हूँ, जब से मतलब अप डाउन स्टार्ट हो गए। तो मतलब मैं 6:30 बजे घर पहुँच रही हूँ, 6:30, कई बार 7 भी हो जाते हैं। तो आज करती हूँ वॉक, अच्छा लगेगा। मैं वॉक करके तो आ गई, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी की, अभी धूप भी है। मतलब आज काफ़ी देर तक धूप है, वैसे तो अभी तक अंधेरा हो जाता था थोड़ा। देखते हैं जोनू कहता है। जोनू क्या हो रहा है, तेरे को समझ आ रहा है जोनू? ये पालक है, पालक के बीच में तू ऐसे जाके घुस के सो गया है। तो अब मैं थोड़ी करती हूँ खाने की तैयारी, फिर अपन खाना खा के सोएंगे, क्योंकि काम तो मेरा हो गया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है रात को। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब।